यहाँ पे शहजाद 11 और सनाउल्लाह के दरमियान खेले जाने वाला पहला हकीमाबाद फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल की दूसरी इनिंग्स का आगाज हो चुका है। यहाँ पे पान जो है बहुत ही कमाल के बॉलर बॉल पे आ चुके हैं। 76 रन का टारगेट है और प्यारी बॉल पर बहुत ही कमाल का शॉट और बहुत ही कमाल का सेव। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, बहुत ही फील्डिंग बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा शहजाद 11 के फील्डर की जानिब से। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, यकीनी 4 रन सेव किए इन्होंने अपनी टीम के लिए। पान कमाल के बॉलर बॉलिंग करते हुए और ये दूसरी बॉल पे 4 रन रेहान की जानिब से, रेहान के बल्ले से सनाउल्लाह क्रिकेट क्लब की जानिब। यहाँ पे पान जो हैं अपने ओवर का अगला बॉल कराते हुए रेहान पान का सामना करते हुए और ये बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग शहजाद 11 की जान से। बहुत यकीनन वो यकीनी 2 चौके रोके इन्होंने, बहुत ही कमाल के रन सेव किए इन्होंने अपनी टीम के। यकीनन ये आखिर फाइनल का मैच है तो जान लगानी पड़ेगी यहाँ पे, चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हमारे ग्राउंड इंटरनेशनल कदाफी स्टेडियम चक ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड से क्राउड जा चुका है। और यहाँ पे वाइड अंपायर का इशारा, वाइड बॉल पान की जानिब से, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और बहुत ही कमाल का शॉट, बतावा स्कोर 4 रन, बॉल बाउंड्री के बाहर। अब फील्डिंग फील्डर लिया जा रहा है वहाँ पे। पान का अगला बॉल, देखते हैं क्या होगा। और बहुत ही कमाल कीपरिंग, कीपर की जानिब से यकीनी 4 रन बचाए कीपर ने। बहुत ही कमाल का, बहुत मुश्किल बॉल रखी यहाँ पे इन्होंने, दोनों टीमें प्रेशर में। 76 रन का टारगेट, 9 स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ सनाउल्लाह का। और बॉल पान की जान से बहुत ही कमाल का बॉल, 1 ओवर के खिताब पर 9 स्कोर यहाँ पे। यकीनन दोनों टीमों को जान लगानी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। फाइनल जीतने वाली टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा और रनर अप को 3,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे क्राउड रात होने की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से गायब हो चुका है, यहाँ से सारा क्राउड जा चुका है। यहाँ पे दूसरा ओवर शहजाद 11 की जान से, शहजाद भाई खुद कैप्टन मौजूद और यहाँ पे आशी भाई स्ट्राइक पर मौजूद। दूसरे ओवर का पहला बॉल शहजाद भाई की जानिब से और बहुत ही कमाल का बॉल शहजाद भाई की जानिब से आशी को, और लेकिन आशी कंफ्यूज होते हुए, और बहुत ही कमाल की बॉलिंग शहजाद की जानिब से, कट खेलने की कोशिश आशी की जानिब से लेकिन नाकाम रहे। बहुत ही कमाल का बॉल कराया शहजाद ने, तीसरा बॉल कराते हुए आशीब शहजाद भाई और कमाल का सेव, लेकिन जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा देखा जाएगा, अंपायर का इशारा देखा जाएगा, नॉट आउट नहीं, यहाँ पे नॉट आउट। बॉल कमाल की बॉलिंग शहजाद की जानिब से। अगला बॉल शहजाद की जानिब से और ये बहुत ही प्यारा बॉल, लेकिन यहाँ पे कीपर मिस हुए, आउट हो सकता था, रन आउट हो सकता था, बाय का आउट हो सकता था, लेकिन कीपर मिस हुए, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे बाउंड्री सेव की कीपर ने भी, 4 डॉट बॉल करा दिए शहजाद भाई ने।
सुनाउल्लाह की टीम पे प्रेशर और ये कमाल की फील्डिंग शहजाद 11 की जानिब से, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, कट खेलने की कोशिश आशिकी भाई की तरफ से लेकिन फील्डर मौजूद, कमाल की फील्डिंग करते हुए शहजाद भाई की जानिब से लास्ट बॉल, देखते हैं क्या होता है आशीष सामना करते हुए। और यह कमाल का बॉल मैडन ओवर करा दिया है शहजाद भाई ने, बहुत ही कमाल का बॉल करा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैडन ओवर के खुशी का मजा करते हुए शहजाद 11 दो ओवर के इख्तिताम पर 9 स्कोर। अब पान आए हैं बॉलिंग पे, अब देखते हैं क्या होता है। पान भाई सुपर ओवर कराते हुए कराने पर के लिए आए, यहाँ पे पहला बॉल सुपर ओवर का रिहान सामना करेंगे, यहाँ पे बहुत ही कमाल का बॉल और ये देखा जाएगा और ये में एक जगह से सेव किया और दूसरी जगह पे फोर चला गया, यहाँ पे सुपर ओवर में एक फोर का नुकसान मतलब होगा 8 रन का नुकसान, यहाँ पे एक एक रन सुपर ओवर में सेव करने होंगे अगर यहाँ पे चैंपियनशिप इनको चाहिए तो। एक बाल खान भाई की कमाल की बॉलिंग लेकिन फील्डिंग नाकाम, बाई का चौका गया यहाँ पे लग बाई का, अब देखा जाएगा पान भाई का अगला बॉल और रेहान बैटिंग करते हुए और ये यहाँ पे पान भाई की जानिब से वाइड पर चौका और 10 रन का इजाफा होगा यहाँ पे सनाउल्लाह की टीम क्रिकेट क्लब की जानिब को, 10 रन का नुकसान उठाना, 18 रन का नुकसान उठाना पड़ेगा दो बॉलों पे पान भाई को, प्रेशर में बॉलर यहाँ पे अगला बॉल बहुत ही कमाल का बॉल यहाँ पे बहुत जोरदार अपील लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट, यहाँ पे जोरदार अपील की थी लेकिन अंपायर की जानिब से नॉट आउट, बॉल बीट कराई पान भाई ने यहाँ पे सुपर ओवर का अगला बॉल और ये बॉल कर दिया गया पान भाई की जानिब से, बहुत ही कमाल का बॉल, रेहान आउट हो चुका है, यहाँ पे कट खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल यहाँ पे आउट हो चुके हैं रेहान भाई, पान भाई ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है यहाँ पे, सुपर ओवर ख़त्म हो चुका है लेकिन सुपर ओवर में 18 रन का नुकसान हो चुका है इनका, लेकिन देखते हैं मैच में वापसी आई है इनकी, नीमू खान यहाँ पे आए हैं बैटिंग पे, स्ट्राइक पे आए हैं नीमू खान और पान, नीमू खान आएंगे पान का मुकाबला करने, यहाँ पे सुपर ओवर ख़त्म हो चुका है यहाँ पे नीमू खान, देखते हैं क्या करते हैं क्या कर पाते हैं नीमू खान पान का मुकाबला, क्या ये आज नीमू खान बन पाएंगे चैंपियंस या फिर ले जाएंगे शहजाद 11, देखते हैं क्या होता है, बहुत ही संगीन मामला, 76 रन का टारगेट है यहाँ पे शहजाद 11 की जानिब से, नीमू आए हैं स्ट्राइक पे, नेमो प्रिपेयर होते हुए पान भाई अपना अगला बॉल करते हुए और यह कमाल का बॉल और कमाल की कीपिंग कीपर की जानिब से, बहुत ही प्यारा बॉल हालांकि कीपर के मुंह में लगी लेकिन फिर भी पकड़ लिया गया पान भाई की जानिब से, बहुत ही कमाल का बॉल, तीसरे ओवर का पांचवा बॉल, देखते हैं क्या होता है और ये लेग बाई का चौका गया यहाँ पे पान भाई को, यहाँ पे कीपर थोड़े चुके यहाँ पे 22 रन लग चुके हैं इस ओवर में, देखते हैं क्या होता है, क्या बन पाएंगे नीमू 11 इस टूर्नामेंट के चैंपियंस, ओवर के बाद स्कोर बताएंगे बहस ना करें। लास्ट बॉल सुपर ओवर का और बहुत ही प्यारा शॉट बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर और 4 रन का इजाफा नीमू खान की जानिब से, 3 ओवर मुकम्मल हुए यहाँ पे, बहुत ही कमाल की बैटिंग यहाँ से नीमू खान की जानिब, 3 ओवर के 35 रन हो चुके हैं यहाँ पे, शहजाद भाई आए हैं खुद बॉलिंग पे 18 पे 40 रन रहते हैं और बहुत ही कमाल का बॉल कराया शहजाद भाई ने, रन आउट होने का खतरा लेकिन बस पहुँच गए बैट्समैन टाइम पे, पहले शहजाद भाई का दूसरा चौथे ओवर का दूसरा बॉल और ये आशीष फेस करते हुए अंपायर का इशारा वाइड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल यहाँ पे शहजाद की तरफ जानिब से, कमाल की बॉलिंग लेकिन
अंपायर का शेयर वाइट बॉल। चौथे ओवर का अगला बॉल, अंपायर का शेयर वाइट बॉल, यहाँ पे एक और वाइट बॉल। बॉलर प्रेशर में आते हुए, बैट्समैन और बॉलर दोनों प्रेशर में, देखते हैं क्या होता है। फाइनल चल रहा है यहाँ पे, शहजाद भाई की जानिब से अगला बॉल। यहाँ पे लेग भाई का चार रन आशी भाई की जानिब से, और ये आउट होने का खतरा, और ये आउट, आशी भाई आउट हो चुके हैं। यहाँ पे अंपायर का इशारा देखा जाएगा, अंपायर का इशारा देखा जाएगा। जोरदार अपील की जाएगी, लेकिन अंपायर का इशारा देखा जाएगा। यहाँ से कमाल का बॉल शहजाद की जानिब से आशी को, अंपायर का इशारा हाथ में होगा, और ये अंपायर की जानिब से नॉट आउट, और ये शहजाद आशी का सामना करते हुए फिर से दोबारा अगली बॉल, और ये कमाल की फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए छोटू, कट खेली लेकिन बाउंड्री लगाने में नाकाम। बहुत ही प्यारे बैटिंग का मुजाहरा, और बहुत ही प्यारी फील्डिंग, बहुत ही प्यारी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पे, बहुत ही तगड़ा मुकाबला। शहजाद भाई अगला बॉल करते हुए, और ये आशी को शहजाद भाई ने बोल्ड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप शहजाद इलेवन के फील्डर का गुस्सा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत गुस्से में लग रहे हैं। यहाँ पे आशी को बोल्ड किया, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अहम विकेट लिया इन्होंने शहजाद की जानिब से, आशी आउट। यहाँ पे अगले बैट्समैन राशिद ग्रीस पर मौजूद, शहजाद की जानिब से बहुत ही प्यारा बॉल, लेकिन फील्डर की बहुत ही अच्छी एफर्ट, लेकिन बाल बाउंड्री लाइन से बाहर, और चार रन का इजाफा। यहाँ पे शहजाद का ओवर कंप्लीट हुआ, चार ओवर के अख्ताम पर 45 रन हो चुके हैं। यहाँ पे 76 का टारगेट है, अब 12 पे आगे चाहिए, 12 पे चाहिए इनको सिर्फ 30 रन चाहिए, 31 रन, 12 पे 30 रन चाहिए यहाँ पे नीमू खां को। अब राशिद इलेवन देखते हैं क्या डिफेंड कर पाते हैं, क्या नीमू खां बना पाएंगे, चेज कर सकेंगे स्कोर, देखते हैं। अब्दुल रहमान आए हैं बॉलिंग पे, नीमू खां सामना करते हुए अब्दुल रहमान का, और यह बहुत ही प्यारा बॉल, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, देखते हैं क्या होता है। दूसरा बॉल अब्दुल रहमान की जानिब से, नीमू खां अब्दुल रहमान का सामना करते हुए, और बॉल सीधा फील्डर के हाथों में, बहुत ही कमाल का बॉल किया, कमाल की शॉट नीमू खां की तरफ से, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में, बाउंड्री लेने में नाकाम। अब्दुल रहमान की जानिब से अगला बॉल, यार यहाँ पे और बहुत ही कमाल का सेव, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। बहुत ज़ोरदार शॉट खेला यहाँ पे नीमू खां ने, अब्दुल रहमान का बहुत सैफी का बहुत ही प्यारा सेव था, लेकिन बॉल पाँव को लगकर ऊपर उछल गई, कमाल का सेव हो यहाँ पे, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और यहाँ पे चार रन का एक और नुकसान उठाना पड़ेगा शहजाद इलेवन की टीम को। अब्दुल रहमान नीमू खां का सामना करते हुए अगला बॉल कराया, और ये बहुत ही प्यारा बॉल कराया, और नीमू खां यहाँ पे बॉल हो चुके हैं। ये होता है बदला, ये है भाई बदला, किसी को कम नहीं समझो भाई। यहाँ पे बहुत ही प्यारा बॉल कराया, दो लगातार चौके खाने के बाद तीसरी बॉल पे आउट कर दिया अब्दुल रहमान ने नीमू खां को, कमाल का बॉल कराया यहाँ पे अब्दुल रहमान और इफ़ी अगर बैट्समैन यहाँ पे, अब इफ़ी और अब्दुल रहमान का सामना बहुत ही कमाल का बॉल, लेकिन इफ़ी बाउंड्री लगाने में नाकाम। अगला अब्दुल रहमान का अगला बॉल, और ये देखा जाएगा क्या ये आउट है, और ये अब्दुल रहमान की जानिब से इफ़ी की विकेट ले रही है अब्दुल रहमान ने, बहुत ही कमाल का बॉल किया यहाँ पे, और इफ़ी वापस पवेलियन जाते हुए। अब सनाउल्ला खुद आए हैं यहाँ पे अपनी टीम को चैम्पियन बनाने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। लास्ट ओवर यहाँ पे एक ओवर, 6 बॉलों पे 5 चौके चाहिए यहाँ पे सनाउल्ला इलेवन को जीतने के लिए। राशिद ग्रीस पर मौजूद, देखते हैं क्या होता है।
अगले बॉलर सफीर और बैट्समैन यहाँ पे हैं राशिद खान। देखते हैं क्या होता है। और ये पहला बॉल कराया और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सेव यहाँ पे, कमाल की फील्डिंग का मुजहरा यहाँ पे शहजाद लवन की जानिब से। बहुत ही प्यार जश्न मनाते हुए देखते हैं क्या होता है। पांच बॉल पे पांच बाउंड्री चाहिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फाइनल है। क्या ये बन डिफेंड कर पाएंगे, क्या ये चेज कर पाएंगे। और ये प्यारा चार रन राशिद की जानिब से सैफी को, चार बॉल पे चार बाउंड्री है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पान को डांटा जा रहा है यहाँ पे शहजाद लवन की फील्डर की जानिब से। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, क्या क्या ये चेज कर पाएंगे। और ये बहुत ही प्यारा शॉट और बार बाउंड्री लाइन के बाहर और चार रन का इजाफा। अब देखते हैं कि क्या तीन बार में तीन बाउंड्री लग सकती हैं या नहीं। सैफी प्रेशर में आते हुए और देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। और ये बहुत ही कमाल की फील्डिंग, लेकिन बहुत ही अच्छी फट, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। दो बॉल पर दो बाउंड्री चाहिए। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है भाई। देखते हैं भाई जान, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त। फील्डर जो बॉलर जो हैं यहाँ पे फुल प्रेशर में। राशिद खान ग्रीस पर मौजूद, ग्रीस पर जमे हुए राशिद खान। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सनाउल्ला बॉलर को सराहते हुए देखते हैं क्या होगा, क्या यहाँ पे होता है। और ये बॉल्ड कर दिया राशिद खान को यहाँ पे सैफी की जानिब से। देखते हैं क्या होता है। अब एक बॉल पे दो बाउंड्री चाहिए। वाइड पर अगर चौका गया तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पराडा आ चुका है यहाँ पे। देखते हैं क्या पराडा करते हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे पराडा पूरी विकेट छोड़ के खड़ा हुआ है यहाँ पे। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक बॉल पे सात रन चाहिए यहाँ पे पराडा अपनी पूरी कोशिश करते हुए। और ये शहजाद इलेवन चैंपियन बन चुकी है यहाँ पे। कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग, कमाल की एफर्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जश्न मनाते हुए शहजाद इलेवन की टीम बहुत ही मेहनत, बहुत ही पुरजोश के साथ। देखते हैं बहुत ही कमाल का मैच यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बहुत ही कमाल की मेहनत की है इन्होंने शुरू से ही। बहुत ही कमाल बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग की इन बच्चों ने। बहुत ही 33 रन से इन्होंने डिफेंड किया है। और अब सेमीफाइनल में 33 रन पे इन्होंने डिफेंड किया और फाइनल में 76 रन से डिफेंड किया है। कमाल का मैच यहाँ पे।